गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक स्टोरेज का। फसलों को किस प्रकार से हम स्टोर करते हैं, उनका रख रखाव करते हैं कि वो फसलें हमारी ख़राब ना हो, हम अनाज का भंडारण करते हैं, उनको अपन कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं, ऐसा इससे बताया गया है। तो स्टोरेज है इसमें हेडिंग, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, उत्पादन का संग्रहण इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इफ़ यदि द क्रॉप ग्रेन आर टू बी कैप्ट, अगर अनाज को रखा जाए फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उन्हें बचाया जाना चाहिए फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से, इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों से, रैट चूहों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवाणुओं से, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, तब जाके ये सुरक्षित रहेंगे। द फ्रेश क्रॉप, जो फ्रेश क्रॉप होती है, ताज़ा फसल जो हम कटाई करते हैं, हैज़ मोर मॉइस्चर, इसमें अधिक नमी होती है। जो जैसे हम गेहूँ की कटाई करते हैं तो जो अनाज होता है उसमें उस समय मॉइस्चर ज़्यादा होता है कटाई करते ही। इफ़ यदि फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन, अगर ताज़ा जो हार्वेस्टेड कटाई किए हुए ग्रेन्स, अनाज जो सीड्स हैं, आर स्टोर्ड किए जाएं, संग्रहित किए जाएं विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए हुए, दे मे गेट स्पॉइल्ड, तो ख़राब हो सकते हैं और अटैक्ड या आक्रमण किया जा सकता है उन पे बाय ऑर्गेनिज्म, जीवाणुओं का, लॉजिंग दियर जर्मिनेशन कैपेसिटी, अपनी अंकुरण की क्षमता को खोते हुए। इससे क्या होता है कि अगर इसके ऊपर किसी कीटनाशक वगैरह का छिड़काव नहीं करते हैं तो ये अपनी जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी होती है, अंकुरण की क्षमता होती है, उसको भी समाप्त कर लेते हैं। हेंस इस प्रकार बिफोर स्टोरिंग देम, उनको स्टोर करने से पहले, द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड, अनाज को प्रॉपरली उचित रूप से ड्राइड सुखाया जाए इन द सन, सूर्य की धूप में, सूर्य की रोशनी में, टू रिड्यूस घटाने के लिए द मॉइस्चर, नमी को इन दैम, उसके अंदर, तो उसके अंदर उसको घटाएं, मॉइस्चर को घटाएं, इसके लिए हमें उन्हें ड्राई करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। दिस प्रिवेंट, यह रोकता है द अटैक, आक्रमण बाय इंसेक्ट, पेस्ट, कीड़ों मकोड़ों का, बैक्टीरिया जीवाणुओं का एंड फंगी और कवक का, जिससे कि इसके ऊपर किसी प्रकार के कीट का प्रभाव न पड़े, कोई कीट इसके ऊपर अपना आक्रमण न कर दे। इसके लिए हमें इनको ड्राइड करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। इसके आगे चलिए, फार्मर स्टोर करते हैं। इसके पहले देखो क्या है इसमें, आई सॉ माई मदर, मैंने मेरी मदर को देखा, पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स, कुछ नीम की सूखी पत्तियां डालते हुए, इन एन आयरन ड्रम, एक लोहे के ड्रम में, कंटेनिंग वीट, जिसमें गेहूँ रखा जाता है। आई वंडर वाई, मैंने आश्चर्य किया, क्यों नीम की पत्तियाँ क्यों रखी जाती हैं। अगर हम अनाज का भंडारण करते हैं, अनाज को हम टंकी में रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स उसमें कुछ नीम की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ डाल देते हैं बीच बीच में, जिससे कि कोई कीड़े मकोड़े उस अनाज के न लगे। आगे चलते हैं इसके, ग्रेन इन जूट बैग, जूट बैग में ग्रेन्स को रखते हैं, अनाज को रखते हैं, और मेटालिक बीन्स या धातु के बने हुए बीन्स पात्र में हम इनको, अनाज को रखते हैं, जिससे कि इसके ऊपर किसी प्रकार का के कीड़े मकोड़ों का आक्रमण न हो। हाउएवर, फिर भी, लार्ज स्केल स्टोरेज, बड़े पैमाने पर संग्रहण ऑफ ग्रेन्स, अनाज का, इज डन, किया जाता है इन सिलोस एंड ग्रेनरीज, टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। बड़े पैमाने पर अगर हमारे को इनका संग्रहण करना होता है, स्टोरेज करना होता है, काफ़ी अनाज हमारे पास में, तो इनको प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट्स, कीड़ों मकोड़ों से इसकी रक्षा, जैसे मान लो रैट्स है, चूहे हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हैं, इनसे रक्षा करने के लिए इनको एक बड़े पैमाने पर जो अन्न के भंडार होते हैं, ग्रेनरीज होते हैं, वहाँ पर इनको रखा जाता है। जैसे FCI है हमारे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर इनका भंडारण किया जाता है उचित रूप से, इनके ऊपर जो भी केमिकल का छिड़काव करना होता है वो करते हैं, जिससे कि लंबे समय तक ये
जो अनाज है सुरक्षित रह सके। देखिए चित्र में भी देखिए से फिगर में दिखा रखा है, ड्राइड नीम लीव्स सूखी नीम की पत्तियाँ आर यूज उपयोग में ली जाती हैं फॉर स्टोरिंग, स्टोर करने के लिए फूड ग्रेन अनाज को एट होम घरों में, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ बड़ी मात्रा में स्टोरिंग करने के लिए संग्रहण करने के लिए ऑफ ग्रेन अनाज का इन बिग गोडाउन बड़े गोदामों में स्पेसिफिक विशेषतया विशेष रूप से केमिकल ट्रीटमेंट रासायनिक उपचार आर रिक्वायर्ड की आवश्यकता होती है टू प्रोटेक्ट सुरक्षित करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बचाने के लिए देम उन्हें फ्रॉम पेस्ट कीड़े मकोड़ों से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाने के लिए। तो कई बार हम देखते हैं कि घरों में हम नीम की पत्तियां अपने जो लोहे के पात्र होते हैं उसमें जब अनाज गुड़ा डालते हैं उसके 20 पीस में डाल देते हैं तो इसीलिए डाली जाती हैं। आगे चलते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से फूड, एनिमल्स से बहुत सारी कई चीज़ें मिलती हैं, अनाज हमारे को मिलता है एनिमल्स से, मिल्क मिल गया हमारे को, इसके अलावा हमारे को और कई चीज़ें मिलती हैं जैसे मीट है। तो मेक द फॉलोइंग टेबल बनाइए इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट, और इसे कंप्लीट करना है। जैसे मिल्क है, मिल्क के सोर्स बता रखे हैं आगे, मिल्क किससे अपने को मिलता है, किस किस से, तो वो इसमें लिख रहा है काऊ से मिलता है, बफेलो, सी गोट, सी कैमल, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। फूड कौन सा फूड, जैसे मान लो मीट है, मीट किस किस से मिलता है, वो सोर्स अपन यहाँ पर इस टेबल के अंदर भरेंगे। और जानवरों से हमें खाने की क्या चीज़ मिलती है वो इस टेबल में फूड में लिखेंगे, फिर इसका सोर्स लिखेंगे इसके आगे, इस टेबल को आप पूरा करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस टेबल को पूरा करने के बाद यू मस्ट हैव सीन दैट, आपने को ने देखा होगा दैट कि लाइक प्लांट्स पौधों की तरह एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड, जानवर पौधों की तरह एनिमल्स जानवर आल्सो प्रोवाइड उपलब्ध कराते अस समय विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन हमारे को उपलब्ध कराते हैं। जैसे पेड़ पौधों से हमें भोजन मिलता है अनाज वगैरह, इसी प्रकार से कुछ फूड हमारे को एनिमल्स भी मिलता है कई प्रकार से, मिल्क मीट आदि। मैंने पीपल लिविंग, कई लोग रहते हुए इन द कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल तटीय क्षेत्र, कंज्यूम फिश को कंज्यूम करते हैं, फिश को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं एज ए मेजर पार्ट, एक प्रमुख भाग के रूप में ऑफ दियर डाइट, उनके भोजन के। तो जो तटों के ऊपर जो लोग रहते हैं समुद्री तटों के ऊपर, तो मछली पालन उनका मुख्य व्यवसाय होता है, तो उनका भोजन भी मुख्य रूप से मछली का होता है। इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासों में यू हैव लर्न, आप सीख चुके हो अबाउट द फूड, भोजन के बारे में, दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं। वी हैव जस्ट सीन, हमने अभी देखा दैट की द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का प्रोसेस, प्रक्रिया फसल उत्पादन की प्रक्रिया इन्वॉल्व, जिसमें शामिल होते हैं इन नंबर ऑफ स्टेप्स, कई स्टेप्स होते हैं, कई सोपान होते हैं, लाइक जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड, बीजों का चुनाव, सोविंग, बोना एक्सेट्रा। सिमिलरली समान रूप से एनिमल्स रेयर्ड, पशुपालन, पशुओं का पालन किया जाता है, रेयर मीन्स पालना, एट होम घरों पे, और या इन फार्म या फार्म्स में, खेतों में, हैव टू बी प्रोवाइडेड, उनको प्रोवाइड करवाया जाना है, अपने को प्रोवाइड कराया जाता है, प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, एक प्रॉपर फूड, उचित भोजन उनको उपलब्ध कराया जाता है, शेल्टर आवास उपलब्ध कराया ना उनको, एंड केयर, उनके देखभाल। वेन जब दिस इज़ डन, ये डन पूरा हो जाता है ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, इसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे बड़े पैमाने पर हम पशुओं को पालते हैं और उनका रखरखाव करते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनसे प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो इस सारी प्रक्रिया को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, मछली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वी गेट कॉड लीवर, हम कॉड मतलब विशेष एक मछली होती है, वी गेट कॉड लीवर ऑयल, हम मछली का तेल प्राप्त करते हैं फ्रॉम फिश, मछली से, विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जिसमें विटामिन डी की प्रचुरता ज़्यादा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, खेती के बारे में ये चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर ये समाप्त हुआ।
अब इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर है जो हम आपको करवाएंगे, तो इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं हो तो आप उसके बारे में पूछ लेना, व्हाट्सएप पे आप लिख देना, उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, थैंक्स।